दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू साधु संत ऑरेंज कलर का ड्रेस क्यों पहनते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंदिर में घंटा क्यों बजाई जाती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टायर्स का कलर ब्लैक क्यों होता है, हालांकि रबर का कलर तो व्हाइट होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुआं गोल क्यों होता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुर्गी पहले या अंडा? दोस्तों, अगर आप इन फैक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको इन सब फैक्ट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर दें। दोस्तों, हम सभी के मन में हमेशा से ही एक सवाल उठता रहता है कि पहले मुर्गियाँ या अंडा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है कि अंडे में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जो सिर्फ एक मुर्गी पैदा कर सकती है, इसलिए ये माना जा सकता है कि पहले मुर्गियाँ आई। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कुआ गोल ही क्यों बनाया जाता है? नहीं ना, तो हम आपको बताएंगे कि कुआ गोल ही क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, गोलाई के कंक्रीट के पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, क्योंकि हर एक हिस्से के पर बराबर प्रेशर पड़ रहा होता है जो स्ट्रक्चर को थामे रखता है, और कुएं के गोल होने की वजह से ही इसके दीवारों की मिट्टी नीचे धंसती नहीं है। अगर कुएं को चौकोर बना दिया जाए तो उसके हर एक दीवार पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, जिसके कारण कुएं की मिट्टी धंसने के ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि आमतौर पर टायर के कलर काले ही होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है जबकि रबर का प्राकृतिक रंग सफ़ेद होता है? फिर क्यों टायर काले ही बनाए जाते हैं? दरअसल, गाड़ी के टायरों का कलर काला होने की मुख्य कारण केमिकल कार्बन ब्लैक है। टायर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल एक फिक्स केमिकल के रूप में किया जाता है, जो एक टायर के मटेरियल को बनाने के लिए दूसरे पॉलीमर के साथ मिक्स किया जाता है। एक बार रबर के साथ जुड़ने के बाद ये कार्बन ब्लैक टायर्स की ताकत और स्टेबिलिटी दोनों को बढ़ाता है। एक तरह से कार्बन ब्लैक टायर को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंदिरों में घंटा क्यों लगाया और बजाया जाता है? नहीं ना, तो आज हम आपको बताते हैं, जब आप घंटा को बजाते हो तो उसके वाइब्रेशंस पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं, जो आपके माइंड को क्लियर करता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा दिया जाता है। इसी के साथ आपके ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को एक साथ सिंक करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साधु संत केसरी या पीले कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? नहीं ना, तो आज हम आपको बताते हैं, इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न है। सनसेट के वक्त, यानी जब सूरज ढल रहा होता है, या फिर आग का कलर भी यही होता है, और ऑरेंज कलर को कलर ऑफ ब्लिस कहा जाता है, यानी आनंद, खुशी। और साधु संत का ये मानना होता है, ऑरेंज कलर को अपने ज़िंदगी में रखने से आपको सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जो फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।